हम इंसान दिन के उजाले में जो चीजें देख सकते हैं वो रात होने पर हमें नहीं दिखाई देती। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारी आंखें विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के अंदर की वेवलेंथ को ही महसूस कर पाती हैं। ज्यादा वेवलेंथ जैसे इंफ्रारेड्स हमें नहीं दिखाई देती हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन दरअसल हीट रेडिएशंस होते हैं जो हर चीज से बाहर निकलते हैं, लेकिन हमारी आंखें इन्हें ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं। पर धरती पर कुछ ऐसे जीव भी मौजूद हैं जिनके पास ये काबिलियत है कि वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर सकें, और इसी काबिलियत की वजह से उन्हें अंधेरे में भी दिखाई देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना के दो साइंटिस्ट यू एंड जिन बाओ और यूनिवर्सिटी ऑफ मैस्केट्स मेडिकल स्कूल के गैंग हैन ने मिलकर ऐसे नैनो पार्टिकल्स का आविष्कार किया है जिसके जरिए किसी भी जीव के अंदर अंधेरे में देखने की काबिलियत आ सकती है। आंखों के अंदर रॉड्स और कोन्स नाम के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ये सेल्स विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के अंदर आने वाले फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं और ये सेल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए ब्रेन तक दृश्य पहुंचाते हैं। अगर बात करें इंफ्रारेड रेडिएशंस की तो ये फोटो रिसेप्टर सेल्स इंफ्रारेड रेडिएशंस को बहुत धीरे एब्जॉर्ब करते हैं और इसी वजह से हमें अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन आने वाले समय में इंसान भी अपनी दोनों आंखों से अंधेरे में देखने में सक्षम होगा। रिसर्चर्स ने इन नैनो पार्टिकल्स को अभी चूहों पर सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। जब इन नैनो पार्टिकल्स को आंख के अंदर डाला जाता है तो ये फोटो रिसेप्टर सेल्स के साथ चिपक जाते हैं। जब इंफ्रारेड लाइट आंख के अंदर मौजूद इन नैनो पार्टिकल्स पर गिरती है तो ये पार्टिकल्स उसे विजिबल स्पेक्ट्रम में बदल देते हैं और इस विजिबल लाइट को रॉड्स और कोन सेल्स आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से चूहे के अंदर अंधेरे में देखने की काबिलियत को बनाया गया और वो भी बिना कोई साइड इफेक्ट्स के। अगर ये टेक्नोलॉजी इंसानों में भी कारगर रहती है तो इसका इस्तेमाल थेरेपी के लिए या फिर सिक्योरिटी और मिलिट्री ऑपरेशंस में भी किया जा सकता है। थी साइंस इन टू मिनट्स। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।